दोस्तों, वैसे तो पूरे भारतवर्ष में अनेकों पर्व और तीज त्योहार मनाए जाते हैं। आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा हमारे गांव में मनाए जाने वाले हरियाली त्योहार के बारे में। यह क्यों, कब और कैसे मनाया जाता है, कहां से मिट्टी लाई जाती है, किस प्रकार से हरियाली जमाई जाती है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वैसे तो पूरे भारतवर्ष में अनेकों पर्व और तीज त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा हमारे गांव में मनाए जाने वाले हरियाली त्योहार के बारे में कि यह क्यों, कब और कैसे मनाया जाता है। हेलो, नमस्ते, शमन प्रणाम। मेरा नाम है अनूप सेमाल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेरे गांव त्रियुगी नारायण की इन हसीन वादियों से। तो साथियों, सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे गांव त्रियुगी नारायण में हरियाली त्योहार क्यों मनाया जाता है, जिसके लिए मुझे जाना पड़ेगा हमारे गांव त्रियुगी नारायण के मंदिर में, जहां पर हमें पंडित जी बताएंगे कि आखिरकार हरियाली त्योहार क्यों मनाया जाता है। भगवान त्रियुगी नारायण का ये चित्र है। यहाँ पर अनेक समय समय पर भगवान नारायण के जन्मोत्सव, कार्योत्सव, कर्मोत्सव के संबंध में मेले चलते ही रहते हैं। तो ये भगवान त्रियुगी नारायण जी है, इनकी अनेक कथाओं से, अनेक कर्मों से, अनेक प्रादुर्भावों से यहाँ पर मेले चलते रहते हैं। परसों यहाँ पर 25 तारीख को जो दुर्वासाष्टमी का मेला था, उसका ऋषि वचन के अनुसार उसका मुख्य उद्देश्य, महत्तम उद्देश्य उसका ये है कि उस समय ऋषि मुनियों ने जो है कि भगवान नारायण की आगमन की, वामन भगवान के आगमन की इस अष्टमी को जो है कि घोषणा की थी कि भगवान नारायण जो है कि फलानी एकादशी को इस समय जो है उनका अवतरित होगा। तो इस अवसर पर जो है कि नाग कन्या, ऋषि कन्या, देव कन्याओं के द्वारा जो है कि माता अदिति के आश्रम में जो है कि जौ, जौ को जो है कि सबसे परी भगवान नारायण का स्वरूप माना गया है। इसकी जौ की जो हरियाली होती है, हमारी गढ़वाली में इसको बीवी कहते हैं, बीवी यानी माँ, माँ शब्द से प्रयोग किया जाता है। तो उस दुर्वा को, उस माता की हरियाली को, इस जौ की हरियाली को जो है कि सजा करके जो है कि माता अदिति के गोद में भरी थी और माता अदिति के आश्रम में जाकर सारी देव कन्या, ऋषि कन्या और नाग कन्याओं ने जो है कि माता का स्वागत किया था और भगवान के आगमन के लिए जो है स्वागतार्थ ये मेला होता है। यही मेला जो है कि ये संयोग की बात है कि त्रेताई युग में नंदा माता जी का जब यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ था दुनिया में, तो उस समय भी नंदाष्टमी के नाम से इसी प्रकार से मनाया जाता है। वहां पर में जब राधा माता का आगमन हुआ था तो वर्षाना गांव में भी इसी प्रकार के जो है ये दुर्वा का मेला किया गया था। तो ये दुर्वाष्टमी जो है कि भगवान नारायण, माता राधा, माता नंदा के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ये ऋषिवाणियां हैं और ऋषिवाणी के अनुसार ही हम लोग इसका काम करते हैं, ये है इसका मुख्य उद्देश्य। अर्थात त्रेता युग में नाग कन्या, ऋषि कन्या और देव कन्याओं ने भगवान नारायण के जन्मोत्सव से पूर्व ये आयोजन किया था और वो परंपरा आज के युग यानी कि कलयुग में भी गांव की पूरी महिलाएं उस परंपरा का पूरा निर्वहन करते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आगे आपको यह बताता हूँ कि किस प्रकार से हरियाली जमाई जाती है, किस प्रकार से यह उगाई जाती है, यानी कि क्या इसकी पूरी प्रोसेस है, कहाँ से मिट्टी लाई जाती है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं जिस जंगल की तरफ आया हूँ, यह गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पे हमें सबसे पहले ढूंढनी है भेंकुली का पेड़, जो बहुत पवित्र माना जाता है, जिसके समीप, जिसके इर्द गिर्द हमें वह मिट्टी मिलेगी जिसमें हम हरियाली उगा सकते हैं। तो हमको भेकुली यानी कि ये पवित्र पौधा तो मिल गया है, ये पेड़ यहाँ पे है
और इसके नीचे की मिट्टी आप देख सकते हैं यहाँ पे लेके भी जा रखे हैं कुछ लोग। तो दोस्तों आगे की प्रक्रिया यही है कि इस भैंकुली के पेड़ के समीप की जो ये मिट्टी है इसको खोद कर टोकरी में लिया जाता है। और आप वीडियो में देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से मिट्टी को खोदकर टोकरी में जमा किया जा रहा है और इसके बाद इसको घर लेकर जाते हैं। कुछ लोग यहीं पे इसको छान लेते हैं हाथों से ही। और कुछ लोग घर पे ही छान लेते हैं। और घर पे ले जाने के बाद इसको सुखाने के लिए रखा जाता है। और फिर उस सुखाई हुई मिट्टी को टोकरी में आधा भरा जाता है और उसके बाद उसमें जौ डाले जाते हैं। और फिर से जौ को ढकाने के लिए मिट्टी का ही उपयोग किया जाता है। हरियाली टोकरी में सही प्रकार से उगे इसलिए उसमें गर्म पानी और गौमूत्र का भी प्रयोग किया जाता है। और अंत में विधिवत पूजा अर्चना के बाद सारी टोकरियों को वन तुलसी के द्वारा ढकाया जाता है जिसका उपयोग गर्माहट के लिए किया जाता है ताकि हरियाली का रंग निखर के आए। और जब ये सारी प्रोसेस पूरी हो जाती है तो उसके 8 दिन बाद यानी कि आज से 8 दिन बाद हरियाली का त्योहार यहाँ पे हरियाली का मेला लगता है। तो जिसमें सारे गांव की महिलाएं ये जो हरियाली है ये टोकरियां लेके मंदिर का प्रांगण होता है या यहाँ पे जो चौक होता है पवित्र चौक होता है वहाँ पे ले जाती है और उसके बाद इसकी पूजा अर्चना वहाँ पे की जाती है। यह है इस गाँव का वो पवित्र चौक जहाँ पर गाँव के सभी पवित्र त्योहारों का आयोजन किया जाता है। जिस दिन हरियाली त्योहार आयोजित किया जाता है उस दिन पूरे गांव की महिलाएं, अविवाहित लड़कियां और छोटे छोटे बच्चे अपनी जो हरियाली की टोकरियां हैं वो लेकर इस चौक पे आ जाते हैं। और पूरे गांव से हरियाली की टोकरियां तब तक आती रहती है जब तक कि ये पूरा चौक हरियाली की टोकरियों से भर न जाए। आप सभी का त्रियुगी नारायण गांव के इस पारंपरिक हरियाली त्योहार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जब सारी हरियाली की टोकरियां इस चौक पे जमा हो जाती है इसके बाद विधिवत पूजा अर्चना की जाती है।
विधिवत पूजा अर्चना के बाद सभी हरियाली की टोकरियां लेकर मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं। जहाँ पर भगवान नारायण के मंदिर की परिक्रमा की जाती है। अभी आप देख भी सकते हैं कि पूरी जो हरियाली की टोकरियां हैं, गांव की महिलाएं और जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, वो इस मंदिर के प्रांगण के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। और इसके तत्पश्चात इसके भगवान नारायण के मंदिर के यहाँ ऊपरी दिशा में आकर वो यहाँ पे आके टोकरी में से हरियाली अलग करते हैं और मिट्टी को अलग करते हैं। और मिट्टी को यहीं पे छोड़ देते हैं और हरियाली को टोकरी में लेके मंदिर में जाते हैं, जहाँ पे रुद्र कुंड और ब्रह्म कुंड है और इन दोनों कुंडों में हरियाली को शुद्ध किया जाता है। और उसके बाद इन दोनों कुंडों यानी कि ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड में हरियाली को शुद्ध करने के बाद उसे गर्भगृह यानी कि भगवान नारायण के चरणों में अर्पित किया जाता है। ये इतना खुशी का दिन रहता है कि सबके चेहरे पर मुस्कान और मन में एक भक्तिमय भाव रहता है। और इसी भक्तिमय भाव से सभी भगवान नारायण से सबकी सकुशलता की प्रार्थना करते हैं। और सभी महिलाएं भगवान नारायण से ये प्रार्थना करती हैं कि हमारा गांव, हमारा पूरा परिवेश हमेशा सकुशल, हमेशा खुश रहे। हरियाली की शुरुआत हो जाती है शाम को 5 बजे तक और शाम के समय होने पर भगवान नारायण के चरणों में अर्पण करने के बाद हरियाली यहाँ पे इस मार्ग पे खड़े सभी लोगों को दी जाती है। और दोस्तों सच कहूँ तो ये एक पवित्र त्योहार ही नहीं बल्कि एकता का बहुत बड़ा प्रतीक भी है। जितने भी लोग इस मार्ग के एक साइड दूसरी साइड रहते हैं सभी को ये हरियाली दी जाती है और ये एक प्रकार से उनके लिए वरदान साबित होती है और उनके आस पड़ोस उनके परिवेश के लिए सकुशलता का एक प्रतीक होता है।
तो दोस्तों जितनी भी मैंने ये जानकारी आपको इस वीडियो में बताई है वो एक बार मुझे खुद कलेक्ट करनी पड़ी, उसके बाद मैं आप लोगों को इस वीडियो में समावेश करके उस जानकारी को ले आया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मुझे मेहनत लगी है। तो आपकी तरफ से मुझे बस चाहिए क्या, आपका सपोर्ट। आप जितना हो सके शेयर करें अपने मम्मी पापा के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और ये जानकारी साझा करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप पहाड़ की जो परंपराएं हैं उनको किन किन लोगों तक पहुंचा पा रहे हो। ठीक है, तो मैं अब अगली बात पे आता हूँ कि ये तो हो गया भगवान नारायण के बामन अवतार के जन्मोत्सव से पूर्व का आयोजन, और इसके बाद जब भगवान का जन्म होगा, जब अवतरित होंगे तो उसकी भी तो कोई स्टोरी होगी। तो मैं क्या करूंगा, इस वीडियो के बाद थोड़ा सा हरियाली के जो अनसीन फुटेज है उस वीडियो को डालूंगा, और उसके बाद वो वाली स्टोरी भी लेके आऊंगा जिस दिन भगवान नारायण का जन्म हुआ था, और उसके बारे में भी बताऊंगा। तो बाकी यही है, और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें आपके क्या क्या विचार हैं, और शेयर तो जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और बाकी बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस न कर पाए। और मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड, टिल द एंड बजाते रहो बैंड, लव यू ऑल माई फ्रेंड, थैंक यू सो मच।